नवाज शरीफ के यानी वफादार हैं वो लोग। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं होगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह निजाम चलता रहेगा, पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह शोर मचता रहेगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई इंसान आके पाकिस्तान की बागडोर को संभाले, कोई ना एक कोई इंसान तो आके बेल आउट करेगा ना जी, कोई भी आएगा कौन तो करेगा तमाम जी, मुश्किल से पाकिस्तान को निकालेगा, कोई तो एक मुखलिस आदमी होगा जो ये काम करेगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, क्योंकि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो अल्लाह किसी न किसी को उस पर डिप्यूट कर देता है उसको निकालने के लिए। चला रहा है वही खुदा, वो अनवर मकसूद साहब ने कहा है ना जी, पाकिस्तान का जो मुल्क चला रहा है वही बाजवा है, वही बाजवा है जो चला रहा है इस वक्त, जो भी हालात हो रहे हैं, फौज को नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, अदलिया की क्या हालात है, क्या सुन नहीं रही है ना लेती? फौज क्यों नहीं एक्शन ले रही, यही तो सवाल है, जो बड़ी ताकत है वो क्यों नहीं फैसला कर रही, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रही, फौज भी इंतजार कर रही है कि कब लोग चीखे मारना शुरू करें, जब लोग चीखे मारना शुरू करेंगे ना तब फौज टेक ओवर करेगी और फिर मार्शल लगेगा और अल्टीमेटली ये होगा, ये इस मुल्क में मार्शल लगेगा। इन्होंने दुबई से कातिल को लाके इलेक्शन लगवा के जिता दिया, कातिल को ले आए दुबई से लाके उसको सेनेटर बना दिया, वो कातिल था भाई कातिल, उसको उठा के लाया शर्जील मेमन जाके उसको एयरपोर्ट से लाया उसको सेनेटर बना दिया। अभी बाप बेटे के ऊपर 24 अरब का केस है, आप लोग बोल रहे हो कि इनसे इंसाफ मांगे, अरे यार तो भाई इस वक्त सारा पैसा ये जरदारी से और नवाज शरीफ से निकाल लेना, आपके पूरे मुल्क के कर्जे खत्म हो जाएंगे और आपके मुल्क की मशीयत जो है ना आपकी माशी हालात मुल्क के बेहतर हो जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं, आसान है, इमरान खान आए तो थे पैसे लेकर निकलवाऊंगा, आप पैसे देंगे किसी को एनआरओ मिलेगा, आप देख रहे हैं इन्होंने तो एनआरओ 2 खुद ले लिया, क्या इमरान खान ने तो बड़े नारे लगाए थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, अब एनआरओ 2 लेके बैठ गए, आप अंदाजा लगाइए, अब आप क्या कर सकते हैं बताए। जी 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 क्या कहेंगे, क्या कह सकता हूँ मैं बताइए जी, हालात इस वक्त देखिए इन लोगों के हाथ जो है ना, जो मुजरिम होते हैं ना, मुजरिमों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो अपने आप को ना कानून से बालातर समझते हैं जी। ये सारा जो ग्रुप इस वक्त बैठा हुआ है गवर्नमेंट में, क्या जरदारी साहब, क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, ये बहुत टॉप के क्रिमिनल्स हैं ये लोग। हमारी और आपकी जहाँ सोच खत्म होती है ना वहां से ये शुरू होते हैं ये लोग। आपको पता है समीरा जी, कुछ नहीं कर सकता, बस अल्लाह अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है पाकिस्तान में जलजले के झटके आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला भी झटके दे रहे हैं लोगों को, ये सुधर जाए अल्लाह जी, बड़ा झटका लग जाएगा बजट बनता है ना, मुल्क का जब बजट बनता है ना आपको पता है सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है मुल्क के बजट बनाने का, जी बताए, आर्मी चीफ के साथ बैठ के डिसाइड करना होता है क्या करना है जी, आपका पता है आर्मी का इतना बजट है, इतना बड़ा उनका बजट है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा बजट भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सही कहा, आर्मी का बजट बहुत बड़ा है, जो पूरे पाकिस्तान का भी नहीं होगा जो आर्मी लोगों का है, वही है ना सारा सिस्टम आर्मी चला रही है, तो आप मुझे आप किससे इंसाफ मांग रहे, आर्मी कल चाहे दूध का दूध पानी का पानी कर दे, दूध का दूध पानी का पानी कर दे, लेकिन जब चाहे जब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ये सिलसिला ये मसला होता है, दरख्त में अगर एक सेब भी खराब लग जाए तो बाकी सेब के भी कीड़े पड़ जाए, यहाँ तो कुछ ऐसा। अगर आप ये देखें ना कि फौज को तो कुछ करना पड़ेगा ना मुल्क के लिए, बेचारी आवाम क्यों पिसती रहे हमेशा, जमहूरियत का नाम लेते हैं, जमहूरियत का नारा लगाते हैं, अब जब नवाज शरीफ को भी कहते थे कि भाई वो किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे थे, बात मानने से इनकार कर देता, वो उनके बयानिया पे नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को उतारा गया, इमरान खान भी आए हैं यही कहने आए हैं, तो फिर क्यों नहीं काम किया जा रहा है इसके ऊपर। देखिए सारी फौज हम खराब नहीं कहेंगे, पूरी फौज मिलिट्री को खराब नहीं कहेंगे, किसी एस्टेब्लिशमेंट को सबको खराब नहीं कहेंगे, पर हम इसमें से जो चंद लोग हैं जिनके लिए आप बात कर रहे हैं, जिस तरह भी इन्होंने बाजवा पे बात की कॉलर ने,
तो इस तरह के लोगों के लिए आवाज तो उठानी चाहिए ना, बात तो करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही है मीडिया? अरे दूसरे दिन दफ्तरों पर हेलो, ताले लग के उनको ऐसे गायब करेंगे, मिसिंग पर्सन उनका नाम आ जाएगा। क्या बातें कर रही हैं आप? जी हेलो हेलो हेलो, इनकी आवाज ही चली गई, ये जो बात कर रहे थे मेरे से। जी मिसिंग हेलो, पर्सन में चले जाएंगे लोग, मिसिंग पर्सन में अगर बात भी की, अगर जी बात की तो मिसिंग पर्सन में लोग चले जाते हैं, इसीलिए चुपचाप लोग बैठे, कोई बात नहीं करता। ये तो जवान का बच्चा इमरान खान है जो इतनी बड़ी जी बातें इतनी कर जाता, किसी में इतना